लॉकडाउन 4 में प्रदेश में अब हेल्थ प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मॉल्स तथा स्कूल कॉलेजों में दफ्तर खुल सकेंगे। लॉकडाउन 4 की समीक्षा बैठक में मंगलवार को सीएम अशोक गहलोत ने यह फैसला किया। एसीएस राजीव स्वरूप ने यह बताया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं में उनके कार्यालय अशैक्षणिक कार्यों के लिए खुल सकेंगे, लेकिन इसमें शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे और ना ही इनमें विद्यार्थी आ सकेंगे। और इसी के साथ मॉल्स में स्थित ऑफिस भी खुल सकेंगे, लेकिन दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। सीएम ने अधिकारियों से ये कहा कि ट्रेनों के साथ ही श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल बसों के माध्यम से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। बैठक में बताया गया कि श्रमिक स्पेशल बसों के संचालन के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के स्तर पर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से बात हुई है। गहलोत ने निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से भी जल्द समन्वय कर इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जाए, ताकि श्रमिकों की तकलीफ को कम किया जा सके। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी तमाम निर्देश यहां पर दिए गए कि स्कूल और कॉलेजों के दफ्तर खोले जा सकेंगे, साथ ही मॉल्स भी खुलेंगे, लेकिन उनमें जो दुकानें हैं वो खोली नहीं जा सकेंगी। इसके अलावा क्या निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए? देखिए मनीषा, जो कल देर रात उन्होंने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी और उस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो शैक्षणिक संस्थान है और जो मॉल्स है उनमें कार्यालय खोले जाए ताकि जो कामकाज है वो बढ़े। हालांकि जो मॉल्स है वहां पर दुकानें खोलने की परमिशन नहीं दी। उसके बाद में आज गृह विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए कि जितने भी मॉल्स है वहां पर जो ऑफिसेज है वहां पर आप अपना काम संचालित कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं। साथ ही जो शैक्षणिक संस्थान है, जो स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर भी ऑफिस खुल सकेंगे। हालांकि विद्यार्थियों को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं सीएमआर के अंदर और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अफसर है जिलों के जो सीएम तमाम जो अधिकारी उनसे चर्चा कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, एनएचएम के अधिकारी, वो सब सीएम अशोक गहलोत से जुड़े हैं। कलेक्टर के साथ, तहसीलदार, एसडीएम, जितने भी स्तर के अधिकारी हैं जिले के, उन सब अधिकारियों से जिले वाइज वो कोरोना संक्रमण को लेकर फीडबैक ले रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं कि फिलहाल जिलों में क्या स्थिति है कोरोना की और किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार प्रवासी आ रहे हैं और उसके बाद में जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उन सबको लेकर सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और जिले वाइज सबसे चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला है कि जो लॉकडाउन 4 लागू हुआ है उसके बाद में रियायत भी काफी कुछ दी गई है लोगों को काम, क्योंकि रोजगार पर फोकस यहाँ पर किया गया है, उसी को देखते हुए लगातार छूट का दायरा बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जो पिछले दिनों से कुछ जो प्रवासी राजस्थानी थे वो राजस्थान में लौट कर आ रहे हैं, उसके बाद में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, तो सीएम अशोक गहलोत ने काफी कुछ तक निर्देश भी लिए, जिलों में प्रभारी अधिकारी भी लगाए ताकि मॉनिटरिंग हो। लेकिन फिलहाल अब ये आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा सीएम अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि जिले के जो स्वास्थ्य कर्मी है उनसे भी और जो जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे भी एक साथ फीडबैक ले रहे हैं कि उनके जिले में स्वास्थ्य की क्या स्थिति और लॉकडाउन की क्या स्थिति, उन सबको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद में जो भी कुछ दिशा निर्देश होंगे लॉकडाउन को लेकर या फिर कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर वो जारी किए जाएंगे। जी मनीषा, बिल्कुल पिंटू, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें सीएम अशोक गहलोत कोरोना वायरस को लेकर काफी गंभीर हैं और तमाम बैठकें लगातार करी जा रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं।